मेरा जो 1 कप है ये 200 ml का है। अगर नहीं है तो आप ऐसा एक बोल यूज़ कर सकते हो। डिनर सेट में जो छोटा वाला बोल होता है ये वही है। सो इफ़ यू डोंट हैव अ मेजरिंग कप सेट देन यू कैन यूज़ अ बोल लाइक दिस। 1 टीस्पून के लिए आप ऐसा एक स्पून यूज़ कर सकते हो। दिस इज सेम एज 1 टीस्पून। 1 टेबल स्पून के लिए आप ऐसा एक बड़ा चम्मच यूज कर सकते हो। सो दिस विल गो फॉर 1 टेबल स्पून, राइट? दो आम का प्यूरे बना लिए हैं। इसमें से लेंगे 1 कप और आधा कप। 1 कप और आधा कप प्यूरे लिए हैं। अभी इसको चीनी के साथ कुक करेंगे 2-3 मिनट के लिए। चीनी का क्वांटिटी डिपेंड करता है कि आम कितना मीठा है। मैंने 1/4 कप लिया है और ये चीनी जो है वो पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि ये प्यूरे को ज़्यादा देर कुक नहीं करेंगे, 2 या 3 मिनट ही कुक करेंगे, तो ग्रैनुलेटेड शुगर होने से ये डिज़ोल्व नहीं होगा। प्यूरे को चीनी के साथ 2 या 3 मिनट तक ही कुक करना है मीडियम हीट में। दो मिनट हो गया है तो हीट को ऑफ कर देते हैं। प्यूरे अभी रेडी है। अभी इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। 1 लीटर दूध लिए हैं जो फुल फैट मिल्क है। उसमें से थोड़ा सा निकाल के हल्का गरम करके थोड़ा केसर मिला के रखे हैं और थोड़ा सा मिल्क इसमें लिए हैं। तो इसमें मिक्स करेंगे मिल्क पाउडर 3 टेबलस्पून, और कॉर्नफ्लावर 1 टेबल स्पून। दूध को आधा घंटा दैट इज 30 मिनट्स अप्रॉक्स बॉईल करना है। तो पहले ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, उसके बाद भी कंटिन्यू करना है टिल 30 मिनट्स। हीट मीडियम रहेगा। और बीच बीच में ऐसे स्टर करना है। अगर घर में ऐसा एक स्पैचुला है तो इसको यूज़ कीजिए नीचे स्क्रैप करने के लिए। हाफ एन आवर हो गया है और मिल्क भी रिड्यूस हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। तो इसमें 200 ग्राम कंडेंस मिल्क है। और इसमें कॉर्नफ्लावर और मिल्क पाउडर है तो इसको भी ऐड कर देते हैं। अब फिर से मिल्क को बॉईल करेंगे 15-20 मिनट तक। बीच बीच में स्पैचुला से साइड और नीचे स्क्रैप कर लीजिएगा। ये अभी हो गया है, 15 से 20 मिनट इसको बॉईल किए हैं मीडियम टू लो हीट में, और कॉन्स्टेंटली इसको स्टर करना है और नीचे से भी स्क्रैप करना है।
अब इसमें ऐड करेंगे कार्डमम पाउडर, और केसर वाला दूध, और इसको फिर से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। 2 मिनट के लिए ही कुक करना है और कॉन्स्टेंटली स्टर करना है, हीट एकदम लो रखना है। बस हो गया है, ये अब ठंडा होगा, फिर इसके साथ मैंगो प्यूरे मिक्स करेंगे। दूध अब ठंडा हो गया है तो इसके साथ मैंगो प्यूरे मिक्स कर देंगे। अब दोनों को अच्छा से मिक्स करना है। दोनों अच्छा से मिक्स हो गया है, अभी इसको मोल्ड में डालेंगे। अब इसको ओवरनाइट फ्रीज करना है। ऊपर थोड़ा सा गैप छोड़ना ज़रूरी है और ये लिड लगाना भी ज़रूरी है। अगर आप कवर नहीं करेंगे तो इसमें आइस क्रिस्टल आ जाएगा। अगर लिड नहीं है तो आप फॉइल पेपर भी लगा सकते हो। और आप चाहो तो एक आइसक्रीम स्टिक भी डाल सकते हो।